हेलो। यस मैडम, आर यू कमिंग मथुरा? व्हेन यू कमिंग मैडम? यू एंड मी टुगेदर मथुरा, वी लव टू मथुरा। पहला चाव तो मैं खुद करूँ, पर जाओ मैं चाव के बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले मेरा हाथ छोड़ो, पहले मेरा हाथ छोड़ो, पहले मेरा हाथ छोड़ो। सब कैसे आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरी व्लॉग्स के अंदर कि मैं और भी जस्ट रिसेंटली जयपुर से होके आया हूँ। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे वहां पर, बहुत से फॉरनर्स वगैरह वहां घूम रहे थे। तो बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी शादीशुदा बंदे को किसी लड़की से कुछ टॉपिक नहीं मिलता बात शुरू करने का, तो वो क्या करता है ना, अपने बच्चे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से उनको पुश कर देता है, जाओ बेटा जाओ। तो लड़की देखती है और बोलती है, हाँ स्वीट कितना अच्छा बच्चा है। तो बाप पीछे से तैयार हो जाता तो निकाल के अपनी कड़े, हाँ जी मेरा बच्चा मतलब क्या। तो ऐसे ही कुछ जो है हमारे साथ वहाँ हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं कुछ लोगों को ट्विंस लग रहे थे तो उनको अच्छे लगे, तो हमारा उनसे कन्वर्सेशन इन सब चीजों पे हो गया। देयर इज सम फोनस आल्सो। तो भाई आज का प्रैंक जो है मेरा यही होने वाला है कि आपके भाई के प्रैंक के अंदर आज एक फॉरनर आने वाले है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो किसी तरह से उससे मेरा कन्वर्सेशन वहां पे हो गया है। मैं देखूंगा, उसको प्लान कर लूंगा। जो अब रिसेंटली मथुरा आ रही है, मथुरा आने के बाद वो चाहती है कि मैं उसको मथुरा घुमाऊं, और मैंने भी यहाँ पर बोल दिया है कि भाई ठीक है, कैब हमारी है, मतलब हमारी गाड़ी है और हम ही आपके गाइड है, दो दिन मथुरा आप हमारी तरफ से घूमो, ठीक है, हम आपको घुमाएंगे। सो बेसिकली आज मेरा प्रैंक यही होने वाला है, और देखते हैं आपकी परजाई जी कितना इस पर बिलबिलाती है। धमाल कॉमेडी यहाँ पे आज मिलने वाली है, बहुत मजा आ जाने वाला है प्रैंक के अंदर। तो वीडियो को जल्दी से ना लाइक कर लो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी बाकी के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिल सके। और देखते हैं आज के वीडियो में कितना मजा आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. Oh, no, ma'am, no, 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 no. I'm from Delhi, madam. Yeah, I told you that time also. Yes. Samjha nahi. I mean, I don't understand. Bang. Yeah, repeat. Yes. Okay, I got it. That 5 foot. Bang. Yeah, that five foot little girl, huh? Yeah. No, madam. Ah, that's not my wife. Huh? Yeah, you get wrong. Yeah. She's just a cleaner of my house. अच्छा बात नहीं है। जो वहां मिली थी होटल में, तो अरे वो नंबर शेयर कर रहा था ऐसे ही बातचीत। हेलो, यस मैडम, आर यू कमिंग मथुरा? व्हेन यू कमिंग मैडम? या नो मैडम, नो नीड टू गाइड एंड कैब देयर, आई विल मैनेज ऑल। I'm sure. Yeah. You and me together, Mathura. We love to Mathura. Bang. No problem. I Indian guy, you two people, you your friend, no problem. अरे कहना क्या चाहते हो? I manage. Bang. Yes. No. That 5 foot little girl, not with me there. Khatam. I alone come there.
यस यस ओके गॉट इट या इट्स टाइम टू स्लीप या गुड नाइट गुड नाइट लव ओके मैम कौन सी मैडम है ये फंस गया सी है अरे वो नहीं थी बेला चाओ पंक जो वेंकट का कठपुतली वाला गाना नहीं गा रहा था उनको देख करके हाँ बेला चाओ हाँ उसकी फ्रेंड ने 1,050 रुपए की वो कठपुतली खरीदी थी वो थी वो कह रही है मैं हाय आई एम कमिंग मथुरा मैं मथुरा आ रही हूँ सो कैन यू एक्सप्लेन कि मथुरा कैसे एक्सप्लोर करें क्या करें नंबर कब एक्सचेंज हो गया तुम्हारा गुलाब जामुन वो ले रही थी अच्छा मैं भी उधर गुलाब जामुन ले रहा है तेरे बारे में पूछ रही थी अच्छा जो पूछ रही थी 5 foot जो तुम बोल रहे थे हाँ वो बोली वो small little girl with you your daughter मैंने कहा no madam no your wife मैंने कहा no madam no अच्छा मैं वाइफ नहीं तुम्हारी क्लीनिंग करती हूँ तुम्हारे घर की oh no ऐसे क्यों बोल दिया तुमने मैं तुम्हारे घर की क्लीनिंग करती हूँ यार तेरा दिमाग मैं मेड हूँ मैं इधर आके बैठने दे रहा ए साले मैड है तू मेड नहीं है मैड है तू ए चुप्पे लड़की बात कर रही है ऐसे नॉर्मली बात कर लड़की बात कर रही है नॉर्मली बात कर रही है तुमने वाइफ को तुम काम वाली बना दो पंक साले इन अंग्रेजनों से 1 मिनट की बात करने के 100 रुपए लोग खर्च कर दे हैं वो मेरे से फ्री में बात कर रही है मुझे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती अभी तो अपने पति की खुशी के लिए थोड़ा सा कम जल लिया कर धोती है यार मेरी खुशी का क्या तेरी खुशी मतलब मेरे लिए मेरे को तुम वहाँ पे इसको काम वाली बना दिया ये तेरी खुशी के लिए तो मैं लौट भी जाऊँ ना यहाँ पे तब भी तो खुश ना होगी मतलब उसको तुम मथुरा घुमाने वाले हो क्या क्या प्रॉब्लम है व्हाट इज द इशू इज देयर ओह माय गॉड प्रैक्टिस करूंगा साले एक डिक्शनरी निकल बुक लेके आता हूँ उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 3 दिन में अंग्रेज बना तो अब मुझे क्या बनाओगे वहाँ जाके अब तो काम वाली बना दिया मना कर तो दिया तेरे अच्छा तू समझी नहीं होगी तेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक है मतलब है ना मत दिखाओ समझ में आ गई ना मेरी ना रेपुटेशन खराब कर दी तुमने इंग्लिश थोड़ी वीक है तेरी उसको बोला तो था यार किसने कहा मेरी इंग्लिश वीक है तो फिर समझी क्यों नहीं समझ तो गई कि इस बार वो 5 फुट की लड़की जो है क्लीनर मैं नहीं लेके आऊंगा हाँ तो मुझे पता है ना तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी टी शर्टों के गले साले इतने चौड़े चौड़े कर दिया तूने और तुम्हें बाहर छोड़े मैंने थोड़ी में तुम्हें बना दूंगी काम वाला समझ में आ गई ना उसको फोन करके बोलो अभी हम तो है ही काम वाले हमारा तो काम ही दिन रात काम करने का दिल नहीं सॉरी रात उसको फोन करके बोलो दिन रात काम करने वाले 1% नहीं बोलूंगा मैं कि वो जो 5 फुट लिटिल गर्ल थी ना वो मेरी वाइफ मैं मथुरा जा रहा हूँ बोल मथुरा नहीं जाओगे पहले बोलोगे पहले बोलोगे तब मथुरा जाने दूंगी चलो ये जो ब्लॉग चैनल हमारा टट्टी हो रखा है ना जिसपे व्यूज कम आते हैं उनके साथ जाके अंग्रेजों के साथ में पूरा मथुरा का ब्लॉग शूट करूंगा अच्छा हिट हो जाएगा चैनल मेरा थोड़ा तो सैक्रिफाइस कर तो रियलिटी बता के करो ना फिर ये बोलो ना 5 फुट लिटिल गर्ल जो थी वो मेरी वाइफ है काम वाली क्यों बनाया मेरी क्यों रेपुटेशन खराब कर रहा अपने ब्लॉग के लिए जब मैं बीवी बताऊंगा मेरी रेपुटेशन जो जाएगी उसका क्या अच्छा मतलब मैं तुम अपनी बीवी बताओगे तो मतलब तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो दैट हैंडसम गाय वेरी हैव वेरी ओ आया बड़ा 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 मुझे मेरे आगे अंग्रेजी मत सुनाओ समझ में आ गई ना जो साला भैंस के आगे बीन बजाओ वो हाल है तुम्हारा पर थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ मैं क्यों करूँ मैं इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ दो अंग्रेजों ने लेकर के अकेला रहूंगा उनके साथ होटल में तुम इतना सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती कि दो अंग्रेजों के साथ अकेला पति जा रहा है ये तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस होगा तुम्हारे लिए तो खुशी की बात होगी सैक्रिफाइस तो मैं कर रही हूँ हमारी भी इज्जत होती है पता हमारी कोई इज्जत नहीं होती सारी इज्जत तुम्हारी है तेरे को थोड़ी भेजा है मैं जा रहा हूँ आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मेरे को भी ये नहीं चाहिए उसे फोन करके बोलो कि 5 फुट लिटिल गर्ल जो है वो मेरी वाइफ है मेरी धर्म पत्नी है और मथुरा भी मैं उसको लेकर आऊंगा
बोलो। मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जैसे ही वहाँ मथुरा पहुंचूंगा ना उन दोनों को बता दूंगा, वो फाइव फुट लिटिल फुट गर्ल मेरी। लिटिल फुट गर्ल क्या बोला तुमने? लिटिल गर्ल नहीं, लिटिल फुट गर्ल क्या बोला? लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल नहीं बोला, लिटिल फुट गर्ल बोला। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, मैं मेरी हाइट का मजाक उड़ा रखा है। एक काम कर देगी मेरा, एक गिलास दूध लिया और दो केले लिया, दो नहीं चार केले लिया, दो केले उसके, दो केले उसके, चार केले लिया और दो एक बादाम लिया, उससे क्या होगा? कमिंग सैटरडे आ रही है, तब तक थोड़ी एनर्जी तो क्रिएट करूं। घूमना पड़ेगा पूरा मथुरा, मथुरा पूरा मथुरा पूरा, तेरे को पता है ना वो सात सात बार चक्कर मारो मथुरा के, वो पहाड़ पर्वत जो है गोवर्धन उसके साथ चक्कर परिक्रमा लगाने पड़ती है, तो एनर्जी चाहिए ना। हम सब चीजें शादी चक्कर लगाने पड़ते, किसने कहा? अंग्रेजों को नहीं पता सात चक्कर से शादी होती है, उन्हें नहीं पता, तुम्हारी नजरों में तुम कर लोगे। यार वो अंग्रेज लोग हैं, उनके साथ तो आठ आठ राउंड भी लगा लो। अरे तुम चौदह लगा लो, चौदह राउंड भी लग जाएंगे। किस लगा लो? सामने वाली पार्टी ठीक होनी चाहिए। बोल दो गर्ल जो है ना वो मेरी वाइफ, फाइव लिटिल गर्ल, फाइव फुट सॉरी फाइव फुट लिटिल गर्ल जो है ना वो मेरी वाइफ है। झूठ मत बोल, तू फाइव फुट की भी नहीं है पूरी यार। फाइव फुट उसमें भी दो एक इंच कम है तू। ओ, मैं जमीन में फंसी हुई हूँ क्या? मैं तो जितनी दिमाग खराब कर रही है। उसको फोन करके बोल रहे अपनी अंग्रेजन को या नहीं बोल रहे हो? यार तो चुप हो जा, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कैसे शूट करूं ताकि मेरा चैनल हिट हो जाए। अरे जो मर्जी करो तुम ब्लॉग के लिए, हाँ ब्लॉग के लिए कुछ चैनल अपना हिट करो, ठीक है, लेकिन मेरे को ना पहले उसको बोलो उसके बाद अपना करो। अरे तेरी फोन पे बात करा दूंगा वहां से, टॉक टू माय वाइफ कर लियो फोन पे बात। नहीं नहीं, जो तुम अभी इमेज मेरी वहां खराब हुई वो उसने मेरे से बात की थी, ठीक है, मेरी इमेज तो खराब हो गई ना। हो वो तो काम वाली थी, करा दूंगा बात यार, उसमें क्या, बाकी सोच रहा हूँ बाकी कैसे मैनेज करूँ। मैं जान दूंगी तभी तो मैनेज करवाऊँ तुमसे मैनेज कराऊँ। जल्दी मेरी उंगली, जल्दी मेरी उंगली। मैं देवी तो ये माँ खराब करती है तुम्हारा यार, समझ क्या वाला फोन किधर है? अरे जो ऐसे छोड़ना यार, वो लैंडलाइन नंबर होते हैं होटल के, उन पे कॉल मत करियो। कोई सा भी नंबर हो बोल दूंगी, अभी जो आई थी लैला बैला, क्या नाम है, बैला बैला चाओ, बैला चाओ ना हटो यहाँ से, बैला चाओ को मैं कॉल करूंगी। चाओ के बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले मेरा हाथ छोड़ो, पहले मेरा हाथ छोड़ो, पहले मेरा हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी। बैला चाओ ना मैं तोड़ दूंगी, समझ में आ गई ना? यार मुना क्या, पहले उसको बोला बैला चाओ को कि फाइव फुट लिटिल गर्ल मेरी वाइफ है। इतनी सी बात पे इतना रोए जा रही है, चल बोलो बेला चाओ को। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, मेरी जो उसने इमेज थी ना, हाँ मेरे से जिसने बात की थी, तो वो वाइफ वाली आ जाएगी, अभी मेड वाली आ गई होगी, उसको भी बोलो। तेरी वाइफ वाली इमेज उधर बना देता हूँ, फोनस लोगों को वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, सामने वाला मैरिड है या अनमैरिड है, गंजा है, बुड्ढा है, काला है, पीला, उनको वैसे भी कोई, ठीक है, मेरा काम वैसे भी चल गया। हाँ तो तुम बोल, उनके साथ टूर बन जाएगा और मेरा ब्लॉग, तो तुम बोल दो ना, अपना काम चला लो ना, जाके चलाओ अपना काम, जाके जो काम चलाना है बोलो ना फोन करके, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता, पहले फोन करके बोलो फाइव लिटिल गर्ल, फाइव फुट लिटिल गर्ल मेरी वाइफ है। एक बार मैं सेंटेंस बोलते मैं अभी जस्ट एकदम फोन मार के अभी बोलूंगा, फाइव फुट लिटिल गर्ल इज माई वाइफ, फाइव फुट लिटिल गर्ल इज माई वाइफ, बोलो बोलो फोन करके, बोलो आज मैं तुम्हारा काम करूंगी। मेरे को नहीं पता, मेरी भी इमेज है, मेरी भी रेपुटेशन है, मेरी बहन आई नहीं दे लो गाली। बोलो जल्दी फोन दे दो मुझे, ये तुम्हारा बेला चाओ, बेला चाओ ना यही तोड़ दूंगी मैं। एक नंबर पगलाइट औरत है तू, फोन दो मुझे, क्या करना फोन दो, बेला चाओ से बात करूंगी, साले काओ से जाके बात कर, जैसी तेरी बोली है ना उस हिसाब से तो गाय भैंसों से बात कर। सही बात है, आदमी जरा सा औरत को देख लेता है, अंग्रेजन को, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, फिदा हो जाता है उस पे, फिदा वाली क्या बात है यार, ये बट रियल है, लिटिल सैक्रिफाइस नहीं हो सकता, उसके साथ में ब्लॉगिंग एक शूट कर लूंगा, थोड़ा सा वहां चैनल ग्रो कर जाएगा अपना। अच्छा
हमको सिखा रहा है। मतलब कुछ भी प्लानिंग कर लो ना, उस प्लानिंग को तेरे को पूरा होने नहीं देना है, हक दो उस पे, प्लान पे जो भी है। पहली बात तो जाओ तो हक दो, कुछ करना है तो हक दो, किसी से फोन पे बात करो तो हक दो। तुम पहले हक लेते हो ना, इस चीज के लिए प्लानिंग बनाई है उसमें, तुम भी पहले हक लेते हो। इलाज कराओ ना अपने पेट का। नहीं पहले हगा किसने, तुम ही हग रहे हो ना, पूरा रूम साफ पड़ा है तो मैंने कब हग दिया फिर? वो मुझे पता है। हाँ मुझे पता है, तो मुझे ही पता है, मुझे ही पता है कि तुम कितना हगते हो। उस बेला चाव को बोल दो, वो 5 लीटर जो गर्ल है, 5 फुट लीटर गर्ल, वो मेरी वाइफ है, उसे फोन करके बोल दो तो ही मैं थोड़ा घूमने दूंगी, समझ में आ गई? तो घूमने भूल गए, डंडो से होली खेलते हैं ना, तो घूमने देगी फेस्टिवल के, डंडो से होली खेलूंगी ये बोल देता हूँ, जस्ट अभी फोन पे बात करा के फिर घूमने देगी। हाँ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी वैसे भी तुम्हें कौन सा देखेगी, देख रही है तो फोन से बोलो पहले, ये फंस गया सी है। ठीक है मैं तेरी फिर बात करा देता हूँ, मतलब मैं बात करा दूंगा तो मैं फिर कोई तो रोक टोक नहीं है ना मेरे ऊपर? नहीं मेरी बात करो, उसको बोलो 5 फुट जो लिटिल गर्ल थी है ना, तो वो मेरी वाइफ है, नॉट मेट। कोई बात नहीं, हम बात करा देते हैं, उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है, हम फ्री, हमें क्या दिक्कत है? फ्री हो, कोई आपत्ति नहीं है, बात तो करो। नंबर नहीं मिल रहा, अब लैंडलाइन नंबर होते हैं ना, लैंडलाइन नंबर से कॉल ऐसे आती है और लैंड पकड़ के निकल जाती है। यहाँ मेरा कुछ लिखा है, इधर देखना कुछ बिंदी लगी हुई है, वैसे तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैं पढ़ के क्या सुनाऊं, अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या बेवकूफ बना रहे, मतलब लैंडलाइन से फोन आया, माय फोन में नंबर नहीं आएगा, लाइन से निकल जाएगा। फिलहाल तो मैं तेरे को बेवकूफ ही बना रहा हूँ, रियलिटी में दे रही थे कैमरा टैडी ईयर की तरफ थोड़ा देख ले, फिलहाल तो मैं तुम्हें रियलिटी में बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन मुझे आज इस प्रैंक का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है कि मुझे भाई परमिशन मिल गई। क्या परमिशन मिल गई कल को भाई किसी अंग्रेजन से मतलब मिलना मुलना करना है तो तेरी बात करानी है, दैट्स इट, अपना काम फिक्स। यार आप लोगों को बेला पे ऐसा मारूंगी ना मैं, बेला बेला पे तो सोच मजबूर हो जाओगे। कौन से बेला की बात कर रही है तू, समझ में बहुत खुश हूँ यार, आप लोग अगर खुश हो ना वीडियो देख के, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी बाकी के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को वैसे भी लगे। पर जा रहे बाबड़ी बेला पे मारूंगी, कौन सा बेला, क्या बोल रही, कब क्या बेला, बेला दिखाओ, तुम्हारा बेला दिखाओ, दिखाओ ना, तुम्हारा बेला दिखाना है, तमीज नहीं है तुम में कितनी है, मुझे 5 लीटर मेड बोल रहे हो, तुम में कितनी तमीज है वो दिख रहा है। इसको बेला कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बेला ही नहीं पता किसको। मेरे लिए तो मैं तो उसी को बेला, लोग नहीं खाते, समझ में आया ना, तुम यहाँ से, मैं तो 2 मिनट लेट नहीं सकती।